कांकेर जिला मुख्यालय में लगातार आम जनता को मूलभूत सुविधाएं देने में नाकाम नगरपालिका के खिलाफ विपक्ष हुआ लामबंद। कांकेर जिला मुख्यालय के ऊपर नीचे रोड के पास डढ़िया तालाब के किनारे 50 से 60 वर्षों से निवासरत चार परिवारों को बेदखल करने, शहर में लगातार मूलभूत समस्याओं, दैनिक बाजार, मटन मार्केट में साफ सफाई के अभाव, रहवासी क्षेत्र नगर के बीचों बीच मत्स्य विभाग के पीछे पूरे शहर का कचरा डंप करने, जिसके कारण वार्ड वासियों व रोड के किनारे व्यापार कर रहे व्यापारियों को दुर्गंध व मक्खियों के आतंक का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही शहर की मुख्य नालियों की साफ सफाई की ठप व्यवस्था, जिसके चलते बरसात के समय नालियों का गंदा पानी सड़कों व घरों में घुसने की वजह से आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इन सभी मुद्दों को लेकर भाजपा नेताओं व जन प्रतिनिधियों ने नगरपालिका की नाकामयाबी के विरोध में कलेक्टर चंदन कुमार को ज्ञापन सौंपकर जल्द समस्या के निराकरण की मांग की तथा मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन कर नगरपालिका में तालाबंदी करने की चेतावनी दी है। आज कलेक्टर साहब के पास जवाहर वार्ड में ऊपर नीचे रोड के पास कांग्रेस भवन जहां बन रही है, वहां दो चार परिवार हैं जो कि आज लगभग 60-70 साल से काबिज हैं। उनको नगर पालिका के द्वारा नोटिस दिया गया था कि यहाँ के आपके मकान को तोड़ना है। इसके विरुद्ध हमारे पार्षद जयंत अड़विया जी लगातार संघर्ष कर रहे थे और इन लोग तोड़ने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। पहुँचने के बाद वहाँ पर विरोध के बाद वापस आए। इस मुद्दे को लेकर हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए थे। कलेक्टर साहब ने कहा कि वहाँ पर किसी के मकान नहीं तोड़ा जाएगा। ये भी चर्चा था कि वहाँ पर जो छोटा सा शिव जी का मंदिर है उसको भी तोड़ा जाएगा। हमने कहा सर कि शिव मंदिर तोड़ रहे हैं क्या? साहब बोले कि ना शिव मंदिर टूटेगा ना किसी घर टूटेगा, बस ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने के लिए किनारे में जो गैरेज है वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। इसके लिए हमारे पार्षद भी तैयार हो गए हैं। तो कटेर साहब से इसी मुद्दे को लेकर हम लोग मिलने आए हुए थे। फिर एक समस्या को लेकर भी हमारे सभी नेता आज कटेर साहब के पास बात रखे हैं। बोले कि अब हर वार्ड में वहाँ के कचरे को वहीं डंप किया जाए, वहीं पर ऐसा व्यवस्था मैं करूँगा, ऐसा कलेक्टर साहब का कहना है। आप खुद देख रहे हैं सर क्या बेहाल है। रोड बना, रोड उखड़ रहा है, जहाँ पर तोड़ दिया वहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है, नाली पानी भर जा रहा है। आप सभी लोग पत्रकार बंधु आप सब देख रहे हैं कि शहर 2.5 साल कांग्रेस का कांकेर शहर बेहाल, ये हम लोग का नारा है। 2.5 साल की कांग्रेस सरकार में पूरा कांकेर शहर ना कुछ अच्छा बना बल्कि पूरा बेहाल हो गया कांकेर शहर। शहर के विभिन्न जो मुद्दा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के साथ मैं आज कलेक्टर साहब के पास मिलने गया हुआ था। हमारे जवाहर वार्ड में चार पीड़ित परिवार हैं, उनको तोड़ने का नोटिस दिया गया था। उस विषय में मैं गया हुआ था और कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि अब वो मकान नहीं टूटेगा। उसमें से एक जो पार्ट है दिनेश नाग का, वो गाड़ी रखते हैं, तो उनसे आपसी समझौता कर उसको वो जगह को हटाएंगे और उस जगह में जो ट्रांसफार्मर के ऊपर रोड में है वो वहां शिफ्ट किया जाएगा। नगर पालिका में वर्षों से कांग्रेस का कब्जा रहा है और हमेशा अध्यक्ष शहर के विकास के लिए असफल रहे हैं। आज कचरे के मुद्दे में बात हुई, कचरे को कहीं भी फेंका जा रहा है, हर वार्ड में कचरे को कहीं भी डाला जा रहा है। शहरवासी वार्डवासी बेहद परेशान है और नगर पालिका सो रही है। अंधेरी नगरी चौपाट राजा का यह दृश्य शहर में देखने को मिल रहा है। आप घड़ी चौक को देखिए, बिना प्लानिंग को घड़ी चौक को तोड़ दिया गया। वहां जो दुकानदार स्थापित थे उनको वहां से हटा दिया गया है और वो आज रोड में धक्के खा रहे हैं। आगे ऐसा ही माहौल चलता रहा तो हम बहुत जल्द नगर पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी सदैव खड़े रहे। नगर पालिका में शहर मंडल अध्यक्ष द्वारा नोटिस दिया गया है, आवेदन दिया गया है, जल्द इसका निराकरण नहीं होता है तो हम बेहद रूप में धरना कर नगर पालिका में तालाबंदी करेंगे। कलेक्टर साहब से आज चर्चा हुई है कि जो अवशेष मछली का, मुर्गे का,
और बकरे का जो अवशेष वहाँ पे फेंका जा रहा है नदी के किनारे, वो कहीं ना कहीं गलत है। और कलेक्टर साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि जगदलपुर में या रायपुर में जो सिस्टम बना हुआ है उसी सिस्टम को यहाँ अपनाएंगे। मशीनरी आइटम होगा जो भी यहाँ पे मशीनरी लगा के कंपोस्ट किया जाएगा सभी कचरों को। अगर मैं नगर पालिका CMO को भी बता चुका हूँ और कलेक्टर साहब से भी अभी बात हुई है कि जल्द से जल्द इस समस्या का अगर हल नहीं होता है तो इसको हम लोग उग्र आंदोलन के रूप में हम लोग अपनाएंगे।